नाज़रीन आदाब, अक्से परवाज के ताज़ा तरीन खबरों, मरासिलों, तज़ियों और तबसरों में आपका इस्तकबाल। मैं हूँ आपके साथ हैया वानी। गैर मुल्की सफारतकारों का जिला बड़गाम में कश्मीरी रिवायत के मुताबिक इस्तकबाल किया गया। इस वफ्द ने जिला बड़गाम के मागाम ब्लॉक का दौरा किया, जहां जिले तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन नजीर अहमद खान और दीगर पंचायत नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद नजीर खान ने भी सफीरों से खिताब किया। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में पुलिस ने दावा किया कि डाडसोरा त्राल में अस्करियत पसंदों के 3 माविन गिरफ्तार किए गए और इनके कब्जे से भारी मकदार में बारूदी सुरंग में इस्तेमाल होने वाला मवाद भी जब्त किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई से गुजारिश की गई है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों की हदबंदी के अमल को आगे न बढ़ाया जाए। सरहदी जिला राजौरी के मंजकोट में शहरा के किनारे एक मुश्तबा धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो किस हक से ये कह रही है कि उन्हें रियासती दर्जा नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने में इसी पार्टी का तो सबसे बड़ा हाथ है, जिसने अपनी कुर्सी के लिए बीजेपी से हाथ मिलाया था। जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के रहनुमाओं के अलावा अलहदगी पसंद तंजीमों ने भी सफारतकारों के दौरे पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। मीरवाइज ने मज़कूरा वफ़द पर जोर देते हुए कहा वो पुरअमन तरीके से देरेना मसले कश्मीर को हल करे ताकि लोगों की मुसीबतें दूर हो सके। जम्मू कश्मीर रेलवे इंतजाम ने वादी कश्मीर में रेल सर्विस बहाल करने से मुतालिक हुक्मनामा जारी करते हुए बनिहाल से 12 मुला तक 22 फरवरी को जुजवी तौर रेल खदमात बहाल करने का इंतजार दिया है। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, कल इसी वक्त होगी मुलाकात। तब तक बने रहे अक्से परवाज।